दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इन दो PIR मोशन सेंसर्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विद वायरिंग एंड वर्किंग बताने वाला हूँ। ये कोई नॉर्मल PIR मोशन सेंसर्स नहीं है गाइस। इन PIR सेंसर्स के साथ कुछ खास फीचर भी आपको मिलते हैं, स्पेशली इस लॉन्ग वाले के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। PIR मोशन सेंसर्स दोस्तों आप ऐसी जगह लगा सकते हो जहां आपको बार बार लाइट्स ऑन या ऑफ करने की जरूरत ना पड़े, जैसे कार पार्किंग जो अंडरग्राउंड होती है, लिफ्ट्स के अंदर जहां लोग एंटर होने के बाद ही लाइट्स ऑन होंगी, आउटडोर प्लेसेस जैसे गार्डन्स, वहां भी ऑन डिमांड ही लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए इस PIR मोशन सेंसर का यूज किया जाता है। अगर कोई फार्म हाउस होगा तो उसकी बैक साइड में जो लॉन वगैरह होते हैं उसकी किसी वॉल पर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे अगर कोई मूवमेंट होती है तो ही लाइट्स ऑन होंगी। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी, टाइम भी बचेगा और उस जगह का ऑटोमेशन भी हो जाएगा। ब्लैक टी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ये प्रोडक्ट सेल करती है। बेस्ट प्राइस के लिए आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही मोशन सेंसर्स 18 मंथ्स की वारंटी के साथ आते हैं और काफी ड्यूरेबल भी है। देखते हैं दोनों मोशन सेंसर्स को वन बाय वन। आप कीजिए वीडियो को लाइक, तब तक मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले इस मोशन सेंसर को स्टडी करते हैं। काफी अच्छे बॉक्स पैकेजिंग में आता है ये। इसके अंदर दो सेल्फ टैपिंग स्क्रूज मिलते हैं वॉल या सरफेस पर इसे माउंट या फिक्स करने के लिए। अंदर है एक यूजर मैनुअल जो आपको वायरिंग के लिए गाइड करेगा। और फाइनली ये है हमारा PIR मोशन सेंसर। प्रीमियम लुक है इसका। फिजिकल डायमेंशंस देखें तो करीब 90 mm चौड़ा, अप्रॉक्सीमेटली 60 mm डेप्थ है इसकी और 100 mm लंबा है ये। 180 डिग्रीज रोटेटिंग हेड यहाँ मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप इसका डिटेक्टिंग एंगल एडजस्ट कर सकते हो। ABS प्लास्टिक बॉडी मटेरियल में आता है ये प्रोडक्ट। साथ ही IP44 रेटिंग है इसकी, यानी बारिश में भी ये काम करेगा। बस मेक श्योर कि इसकी एक साइड वॉल होनी चाहिए, एकदम पानी में भी इसे एक्सपोज नहीं करना है। डस्ट प्रूफ और 1 mm थिकनेस तक के हार्ड ऑब्जेक्ट्स ये हैंडल कर सकता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। 180 डिग्रीज डिटेक्टिंग रेंज ये प्रोवाइड करता है विद 12 मीटर्स डिटेक्टिंग डिस्टेंस एट 24 डिग्री सेल्सियस और लेस टेम्परेचर। इसमें आप टाइम डिले 10 सेकंड से 7 मिनट तक एडजस्ट कर सकते हो और साथ ही एम्बिएंट लाइट 3 से 2000 लक्स एडजस्टेबल है, यानी ये डे नाइट दोनों टाइम ऑपरेट हो सकता है। नाइट में ऑपरेट करने के लिए इसे मून वाले पॉइंट पर सेट करना होगा आपको। यहाँ नॉब पर हल्का सा स्लोप है, वो इसकी फ्रंट फेसिंग साइड है। इसे 1.8 मीटर से 2.5 मीटर की हाइट पर इंस्टॉल करोगे तो बेस्ट रिजल्ट देगा। मोशन डिटेक्ट करने को ये 0.6 मिलीसेकंड से 1.5 मिलीसेकंड तक का टाइम ले सकता है, दैट टू डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। लोड इस पर आप 1200 वॉट एनर्जी सेविंग बल्ब या 300 वॉट इनकैंडेसेंट लैंप लगा सकते हो। वायरिंग दोस्तों दोनों PIR मोशन सेंसर्स की सेम है, तो मैं आपको इस वाले की डिटेल में दिखा देता हूं और नेक्स्ट वाले की फास्ट फॉरवर्ड में देख लेंगे। वायरिंग करने के लिए इसके दो स्क्रूज निकाल लेने होंगे। यहां पर भी आपको वायरिंग डायग्राम मिलेगी। ये वायर पासिंग होल है। बेसिकली आपको यहाँ तीन कलर्स की वायर्स मिलेंगी। ब्राउन होती है 230 वोल्ट्स फेज, ब्लू होती है कॉमन न्यूट्रल और रेड होती है लोड आउट वायर। तो लोड और 230 वोल्ट्स AC की न्यूट्रल्स कॉमन करके डालनी है ब्लू वायर के टर्मिनल पर। उसके बाद 230 वोल्ट्स AC फेज यानी रेड वायर लगानी है ये ब्राउन वायर वाले टर्मिनल पर। और फाइनली लोड वायर लगानी है रेड वायर वाले टर्मिनल पर। वायर्स यहां से निकाल लेनी है। लक्स दोस्तों मैं 50% से थोड़ा कम मून की साइड पर सेट करता हूँ, इससे रात में भी और लाइट में भी टेस्ट कर सकता हूँ मैं, टाइम डिले भी मिनिमम्स पर। लेट्स टेस्ट।
परफेक्ट। दोस्तों आपने देखा कि ये अंधेरे में भी मोशन सेंस कर रहा था और लाइट में भी। दिखने में भी ये सीसीटीवी जैसा ही दिखेगा उन लोगों को जिन्हें जीरो टेक्निकल नॉलेज है, तो ये भी एक इसका फायदा हुआ। अब देखते हैं आज का स्पेशल पीआर मोशन सेंसर। तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसे स्पेशल बनाती है? सबसे पहला कि इसे आप 180 डिग्रीज वर्टिकल साथ ही 180 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल रोटेट कर सकते हो। दूसरा ये कि लक्स और टाइम डिले के साथ इसमें आप इसकी सेंसिटिविटी भी एडजस्ट कर सकते हो, यानी डिटेक्टिंग रेंज जो है 5 मीटर मिनिमम से 12 मीटर मैक्सिमम एडजस्टेबल है ना दोस्तों, कमाल। ये भी स्टैंडर्ड बॉक्स पैकेजिंग में आता है। बॉक्स में आपको 2 सेल्फ टैपिंग स्क्रूज, एक यूजर मैनुअल और ये प्रोडक्ट मिलता है। इसका भी प्रीमियम लुक है। ABS प्लास्टिक मटेरियल की बॉडी है। फिजिकल डायमेंशंस दोस्तों करीब 200 mm लंबा, 70 mm चौड़ा और अप्रोक्सीमेटली 50 mm डेप्थ है इस प्रोडक्ट की। इसके हेड को रोटेट करने के लिए यहाँ एक नॉब मिल जाता है। इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये लूज होगा। एंगल एडजस्ट कर लेने के बाद इसे क्लॉकवाइज घुमाकर वापस टाइट एंड लॉक कर देना है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालते हैं। 180 डिग्रीज डिटेक्टिंग रेंज विद 5 मीटर टू 12 मीटर एडजस्टेबल डिटेक्टिंग डिस्टेंस। लोड कैपेसिटी इसकी भी 1200 वॉट एनर्जी सेविंग बल्ब्स या 300 वॉट इनकैंडेसेंट बल्ब्स है। टाइम डिले 10 सेकंड से 7 मिनट मैक्सिमम एडजस्टेबल। एम्बिएंट लाइट 3 से 2000 लक्स एडजस्टेबल। इसे भी आप 1.8 मीटर से 2.5 मीटर की हाइट पर इंस्टॉल करोगे तो बेस्ट रिजल्ट देगा। और ये भी आता है IP44 रेटिंग के साथ, यानी वॉल पर लगाने के बाद ये बारिश में चल जाएगा और 1 mm थिकनेस के ऑब्जेक्ट इंपैक्ट्स ये झेल सकता है। चलो अब वायरिंग देख लेते हैं। वायरिंग करने के लिए कवर को ऐसे निकाल लेना है पहले। यहाँ 2 होल्स दिए हैं वायर डालने के लिए। टेस्ट करने के लिए इसकी सेंसिटिविटी मैं रखता हूँ मैक्सिमम, टाइम डिले मिनिमम और लक्स थोड़ा मून की तरफ, जिससे लाइट एंड डार्क दोनों कंडीशंस में मैं इसे टेस्ट कर पाऊंगा। नाउ लेट्स टेस्ट। परफेक्ट। तो दोस्तों जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्ट सप्लायर ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी से इस प्रोडक्ट को बेस्ट प्राइस में खरीद लो और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें DM कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सवाल, डाउट्स या सुझाव हमें कमेंट्स करें, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।